हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी शैल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 ब्रिक्स एंड ब्रिजेज। लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पे हमें टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट है लोखन लिव्स इन द स्टेट ऑफ, लोखन राज्य में रहता है, कौन से राज्य में रहता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश। तो लोखन रहता है बी अरुणाचल प्रदेश में। सेकेंड द मटेरियल विच हेल्प्स इन मेकिंग ए बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, वो सामग्री जो एक इमारत को मजबूत बनाने में मदद करती है वो है ऑप्शन ए में स्ट्रा, बी में मड, सी सीमेंट। स्ट्रा हो गई तीन की, मड हो गया कीचड़ और सी सीमेंट। तो सीमेंट ही एक इमारत को मजबूत बनाने में मदद करती है, ऑप्शन सी करेक्ट। थर्ड ब्रिजेज हेल्प इन द इजी मूवमेंट ऑफ, सेतु जो होते हैं वो मूवमेंट इजी कर देते हैं किस चीज़ का? एक ऑप्शन में है ए ऑप्शन में व्हीकल्स, बी में वैली, सी में रिवर। तो ब्रिजेज से व्हीकल्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत इजी हो जाता है, तो व्हीकल्स आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट। फोर द हाउस दैट यूजेस स्ट्रॉन्ग मटेरियल, वो घर जिसमें बहुत मजबूत सामग्री यूज होती है वो है ऑप्शन ए में ट्री हाउस, बी में स्टिल्ट हाउस, सी अपार्टमेंट। पेड़ वाला घर, स्टिल्ट घर और अपार्टमेंट कमरा या रूम, तो अपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज होता है। एक्सरसाइज बी फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है हमारा हेल्प बॉक्स में। फर्स्ट है किन, किन होता है भट्टी, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रोप रस्सी, कंस्ट्रक्शन निर्माण, बेम्बू बांस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लोखन वेंट टू ए ब्लैंक साइट वेयर हिज फादर वर्क्स, लोखन उस साइट पर गया जहाँ पर उसके पापा काम करते थे। कौन सी साइट पर गया? तो वो गया था कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो यहाँ आएगा कंस्ट्रक्शन। नंबर टू ब्रिक्स आर मेड एट ए, ईंटें बनती हैं कहाँ पर? तो ईंटें बनती हैं किन, के आई एल एन, किन होता है भट्टी, भट्टी में। थर्ड अयान हैज़ नेवर क्रॉस्ड ए ब्लैंक ब्रिज, अयान ने कभी भी एक ब्रिज को पार नहीं किया, कैसे ब्रिज को? बैम्बू ब्रिज को, तो यहाँ आएगा बैम्बू। फोर द अर्लियर सस्पेंशन ब्रिजेज वर मेड ऑफ वुड एंड ब्लैंक, पहले के जो झूले वाले सेतु थे वे बनते थे लकड़ी और रस्सी, रोप आएगा तो यहाँ पे फोर नंबर पे। फाइव द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड अस टू कंस्ट्रक्ट ब्लैंक ब्रिजेज, साइंस और तकनीकी के विकास ने हमें इस योग्य बना दिया है कि हम अब बना देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ब्लैंक ब्रिजेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिजेज, तो यहाँ आएगा स्ट्रॉन्ग, मजबूत सेतु हम बना देते हैं तो यहाँ आएगा स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज थर्ड नेम द टाइप ऑफ ब्रिजेज एज पर द गिवन क्लूज, जो क्लू दिए गए उनके आधार पर हमें ब्रिजेज के नाम भरने हैं, सेतु के नाम फिल करने हैं, एक्रोस ऐसे और डाउन में ऐसे। फर्स्ट अर्लियर इट वाज मेड अप ऑफ वुड एंड रॉक, पहले ये बनता था लकड़ी और रस्सी का, तो ये था सस्पेंशन, SUSPENSION। सेकेंड इट यूजेस शॉर्ट केबल्स अटैच टू पिलर्स, इसमें छोटी केबल्स का इस्तेमाल होता है जो पिलर्स स्तंभ से जुड़ी होती हैं, तो वो होता है हमारा केबल स्टेड, CABLESTAYED। थर्ड इट यूजेस ट्रस फॉर्मेशन बिलो एंड अबव द ब्रिज, इसमें बांधने वाला जो कार्य होता है, बांधने वाली जो संरचना यूज की जाती है ऊपर और नीचे ब्रिज के, तो वो होता है हमारा थर्ड कैंटिलेवर, CANTILEVER। फोर इट इज़ बिल्ट एक्रोस ए रिवर, ये एक नदी के आर पर बनता है तो वो होता है ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज, ब्रिज मतलब सेतु। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, ओके बेटा लर्न इट, थैंक यू।